एयर इंडिया को अपना बनाने के बाद टाटा ग्रुप ने एयरलाइन कंपनी के कायाकल्प की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इस कायाकल्प में कई कर्मचारियों की नौकरी पर बात आ गई है। नई एग्जीक्यूटिव टीम हर वो कोशिश कर रही है जिससे एयर इंडिया को बेहतर बनाया जा सके। लागत को घटाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मकसद से रीट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं। यहां तक कि कंपनी ने VRS यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट स्कीम भी शुरू कर दी है जो केबिन क्रू के लिए भी लागू होगी। इस स्कीम की जद में एयर इंडिया के करीब 3000 कर्मचारी आएंगे। खास बात यह है कि एयर इंडिया ने इस स्कीम के तहत क्लरिकल और अनस्किल्ड स्टाफर्स के लिए रिटायरमेंट एज 55 साल से 40 साल यानी 15 साल घटा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर इंडिया 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को VRS देने का मन बना रही है। यानी टाटा हर कीमत पर कंपनी को बेहतर करना चाहती है और अधिक से अधिक पुराने कर्मचारियों से छुटकारा पाना चाहती है जो पुराने सिस्टम में काम करते करते उसमें इतना अधिक ढल चुके हैं कि शायद ही नए बदलावों को अपना सके। एयर इंडिया के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर सुरेश दत्त त्रिपाठी ये स्कीम लेकर आए हैं जो 1 जून को शुरू हो गई है, जिसके तहत अगर कोई जुलाई अंत तक रिटायरमेंट लेता है तो उसे स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे। एयर इंडिया में अभी तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ाने के लिए पायलट और केबिन क्रू अलग अलग है। ऐसे में कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत सभी क्रू मेंबर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विमानों में आसानी से काम कर सकेंगे। एयर इंडिया की नई व्यवस्था से कुछ कर्मचारी नाराज भी है जिन्होंने शिकायत की है कि उनसे बातचीत किए बिना ही ये बदलाव कर दिए गए। हालांकि अधिकतर कर्मचारी समझ रहे हैं कि अब कंपनी टाटा के हाथों में है और उनके तमाम मुद्दों पर कंपनी विचार करेगी। कंपनी अपने बिजनेस की काया पलट करने की पूरी तैयारी कर रही है। यहां तक कि एयरलाइंस के इतिहास में यह पहली बार है जब केबिन क्रू के लिए भी VRS लाया गया है। हालांकि इस VRS स्कीम में पायलट को शामिल नहीं किया गया है। नए सिस्टम में पायलट और केबिन क्रू के वर्किंग आवर यानी काम करने के घंटे को भी तय किया जा रहा है। मौजूदा सिस्टम में देखा गया है कि कुछ क्रू मेंबर्स 90 घंटों की फ्लाइंग कर रहे हैं जबकि कई सिर्फ 20 घंटे की फ्लाइंग ही कर रहे हैं। ऐसे में अब दोनों के बीच के अंतर को खत्म करते हुए इसे बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, पायलट को अब अपने आधिकारिक बेस से ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। अभी तक की व्यवस्था में वह अपनी पसंद की किसी जगह से फ्लाइट लेते थे और वहां जाने में होने वाला ट्रैवल पर खर्च और होटल में रुकने के खर्च का बिल कंपनी के नाम कर देते थे। नए बोइंग विमानों के लिए नेविगेशन हो रहा है जबकि पुराने विमानों को बेहतर किया जा रहा है ताकि लागत और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखा जा सके। एक अधिकारी के अनुसार उन विमानों को हटाया जा रहा है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते हैं। इतना ही नहीं, पायलट और क्रू मेंबर्स की मैनुअल रोस्टरिंग को भी बंद कर दिया गया है। इसकी जगह इलेक्ट्रिक रोस्टरिंग शुरू की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी किए जाने की आशंका ना बचे। बता दें, एयर इंडिया में 12,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनमें 8,000 कर्मचारी स्थायी और 4,000 अस्थायी है। एयर इंडिया का मानना है कि एयर इंडिया में 5,000 ऐसे स्थायी कर्मचारी हैं जो अगले 5 साल में रिटायर हो जाएंगे।